सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अक्सर लोग माँ को बच्चे को प्यार दुलार करते देखते होंगे, माँ बच्चे की हर जिद पूरी करते देखी गई है, लेकिन ये जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कोई माँ कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है कि अपने बच्चे को इतनी खौफनाक सजा दे सकती है? ऐसा ही हुआ है गोरखपुर जिले में। क्या है वो खौफनाक सजा और माँ ने ऐसा कदम क्यों उठाया, देखिए इस रिपोर्ट में। स्कूल नहीं जाने की मिली खौफनाक सजा, बच्ची पर टूटा माँ का कहर, गर्म चाकू से बच्ची को 17 जगह दागा। पहले भी कई बार बच्ची को जला चुकी है माँ। बच्ची को लेकर थाने पहुंचा पिता, पत्नी के खिलाफ पति ने की शिकायत। माँ, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। कहा भी गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कुमाता नहीं हो सकती। हिंदू सभ्यता में, सनातन धर्म में माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान से भी ऊंचा रखा गया है। माना जाता है कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा माँ का होता है, माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। एक बच्ची को उसके स्कूल न जाने की ऐसी खौफनाक सजा मिलेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सजा मिली भी तो किससे? उसकी अपनी सगी माँ से। गोरखपुर में एक मां ने अपनी 5 साल की बच्ची को स्कूल न जाने पर चाकू गर्म कर 17 जगह दाग दिया। ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के पिपरौली चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आता है, जहाँ एक 5 वर्षीय बच्ची स्कूल जाने से मना करती है तो उसकी माँ उसे 17 बार चाकुओं से जला देती है। जी हाँ, 17 बार चाकू को चूल्हे पे गर्म करती है और अपनी बच्ची को बुरी तरह से जलाती है। उसके हाथ, उसके पैर जलाती रहती है, यहाँ तक कि मुंह में कपड़ा ठूस देती है कि वो रो ना पाए, चिल्ला ना पाए। जब उसके पिता को इस बात का पता चलता है और बच्ची की रोने की आवाज़ सुनता है, तब उसे पता चलता है कि क्या हुआ। वो बच्ची को उठाता है, देखता है बच्ची बिलक बिलक के रोती है, तड़पती रहती है जलन से। ऐसे में उसका पिता तुरंत उसको उठा के लेके जाता है, चौकी पे तहरीर देता है, थाने पे जाता है, तहरीर देता है और घटना के संबंध में बताता है। उसका मेडिकल किया जाता है, उसको इलाज के लिए लिया जाता है, माँ के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। मासूम की बस यही गलती थी कि उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। फिर क्या था, उसकी निर्दयी माँ ने ना आओ देखा ना ताओ, चाकू गर्म कर बच्ची को जला दिया। जिसकी खबर पिता को मिलते ही पिता बच्ची को लेकर थाने पहुंच गया। नतनी के साथ हुआ था कि ये पढ़ने के लिए इसकी माँ भेज रही है, तो ये ना जाने पर रोने लगी, तो रोने पर बस क्या करी, सुटकनी बंद करके और गैस पर चाकू धिका करके और इसको पैर में और हाथ में लगी दागने, और रोने भी नहीं दे रही थी कि चिल्लाना न, मुंह में कपड़ा घुरे दिए। जब हम देखे हमारे साले की बच्ची थी, वो दूसरे छत पर से कूद कर गई, तो सिटकनी खोल करके तो हमारे घर ले आई, ये घर है, तो ये घर लाए तो हम फिर लेकर के उसको गए और उसको 2-4 गाली उली दिए, उसके बाद हम सीधे चौकी पर दिखाए। इस उम्र से मिले घाव का इस नादान बच्ची के मन पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या ये बच्ची कभी इस माँ को दोबारा प्यार कर पाएगी? बच्ची का नाम शाबी बताया जा रहा है। शाबी के माता पिता की शादी 6 साल पहले हुई थी। इनकी इस शादी से परिवार खुश नहीं था, जिसकी वजह से शाबी के माता पिता परिवार से अलग रहते थे। शाबी के पिता का नाम राहुल है और माँ का नाम कंचन। जानकारी के मुताबिक राहुल मजदूरी करता है और रोज की तरह सुबह काम पर गया हुआ था। कि तभी पत्नी कंचन ने बच्ची के स्कूल ना जाने पर यह सख्त कदम उठाया और बच्ची के शरीर पर गर्म चाकू से 17 जगह जला दिया। माँ के इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से क्या बच्ची का पढ़ाई से मन उठ जाएगा,
या फिर बच्ची सब कुछ नजरअंदाज कर अपने बचपन को जी पाएगी। इसके साथ ही बच्ची के पिता का आरोप है कि उसकी पत्नी ने कई बार इसी तरह बच्ची को जलाया है। मैंने बार बार समझाया लेकिन वो नहीं मानी। इस बार जब उसने हद पार कर दी तब मुझे पुलिस से शिकायत करनी पड़ी। फिलहाल पति की शिकायत पर आरोपी मां के खिलाफ धारा 324 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का हक है, लेकिन अगर कोई छोटा मासूम बच्चा जिसको इस बात का बोध ही ना हो कि आगे उसे स्कूल जाना है, पढ़ना है और पढ़ाई से ही उसका भविष्य बनेगा, अगर वो नादान है और अगर वो नहीं स्कूल जा रहा है तो क्या इतनी सख्त सजा, वो भी माँ द्वारा दी जाना सही है? तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या बच्ची का बचपना इस दर्द को भूल पाएगा? कई सवाल उठते हैं, लेकिन पिता ने एक कदम उठाया, माँ के खिलाफ तहरीर दी, शिकायत दर्ज कराई। अब देखना ये होगा कि इस दर्दनाक हादसे से निकल के बच्ची अपना भविष्य कैसे बनाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस